प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. सिंपल, एक कंटेनर लिया सिलेंड्रिकल, इसके अंदर रैंडम मोशन में मॉलिक्यूल गैस के, और मॉलिक्यूल्स इसकी छत पे राइट लेफ्ट नीचे एरिया पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं. वो प्रेशर कम ज़्यादा भी हो सकता है, हो सकता है मॉलिक्यूल इस एरिया पे ज़्यादा फोर्स लगाते हों, इस पे कम लगाते हों, ऊपर नीचे कम लगाते हों, कह नहीं सकते. इसीलिए वर्ड क्या यूज़ किया, एवरेज प्रेशर. हम करेंगे इसमें एवरेज प्रेशर निकाल लेंगे, लिखना है तो एवरेज भी लिख लो. प्रेशर एक्सर्टेड मतलब बाई डिफॉल्ट एवरेज प्रेशर निकाल लेंगे. ठीक, तो एवरेज प्रेशर निकालने के लिए काम करते हैं, एक मॉलिक्यूल ले लो कोई भी. पहले ये एक मॉलिक्यूल है और वो रैंडम मोशन में है. रैंडम मोशन में उसकी वेलोसिटी वी वेक्टर है. वी वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं. वो रैंडम मोशन एक्स वाई जेड प्लेन में मूव कर सकता है, कोई भी 3D में. तो वी एक्स भी है, वी वाई भी है और वी जेड भी है. मान लो ये मॉलिक्यूल यहां से चलता है और बिल्कुल एंड तक जाता है और एक्स एक्सिस के अलोंग जाता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी एक्स, और डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां पहुंचता है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, एस इज इक्वल टू वी टी वी एक्स इंटू डेल्टा टी. ठीक है यहां तक. सपोज करो ये जो सिलेंडर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है. तो अगर मैं कहूं कि इसका वॉल्यूम कितना है कंटेनर का, तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ ऑफ द कंटेनर. तो एरिया इंटू लेंथ क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक. तो एरिया इंटू वॉल्यूम, इसका एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम आ गया. तो अब इसके अंदर अंडरलाइन करें, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है. तो स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो इस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, छोटा एन. नेक्स्ट है एक मॉलिक्यूल का मास, छोटा एन. ठीक है, वेलोसिटी वी क्या है, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर. हमने किया ये वेक्टर्स में. ठीक है यहां तक. एक मॉलिक्यूल हम एक काम करेंगे, पहले प्रेशर ना एक्स एक्सिस पे निकाल लेंगे, फिर वाई में निकाल लेंगे, फिर जेड में निकाल लेंगे, फिर एवरेज कर देंगे. हर का डिफरेंट है, तो पहले काम सिर्फ एक्स एक्सिस पे होगा. एक्स एक्सिस के ऊपर मोमेंटम कितना है एक मॉलिक्यूल का, जब वो राइट की तरफ जा रहा है, एम इंटू वी एक्स. टक्कर हुई उसकी वॉल से और वापस आया, और इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का लॉस नहीं है, तो वापस आने का मोमेंटम कितना है, माइनस एम इंटू वी एक्स. जाने का एम इंटू वी एक्स, वापस आने का माइनस एम इंटू वी एक्स. चेंज इन मोमेंटम कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस टू इंटू एम इंटू वी एक्स. ठीक है यहां तक, ये स्टेप क्लियर है. एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम आ गया. अब मुझे एक चीज बताओ कि इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है. इस कंटेनर का वॉल्यूम मैंने एक सिखाया था अभी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी. कोई डाउट इसमें, वॉल्यूम की वैल्यू आ गई. और अगर मैं कहूं इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आप एक काम करो, एन को टोटल वॉल्यूम से क्या कर दे, मल्टीप्लाई. वो क्यों, एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. को कंटेनर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो एन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, और वॉल्यूम कितना है, ए इंटू वी एक्स इंटू कितना, डेल्टा टी. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए. कोई डाउट इसमें, राइट. अब प्रॉब्लम यह है कि आपको क्या लगता है, जब गैस के अंदर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, सारे के सारे इधर को मूव कर रहे हैं, उधर कोई नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं होता. एक्स एक्सिस में इधर भी जा सकते हैं, एक्स में इधर भी जा सकते हैं, तो इधर ज्यादा इधर कम भी हो सकते हैं. पर क्योंकि हम एवरेज वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे, पहले इधर की बात करेंगे, सिर्फ एक तरफ की. तो हम ये मानते हैं कि आधे मॉलिक्यूल राइट जा रहे हैं तो आधे मॉलिक्यूल लेफ्ट जा रहे हैं. तो हम एक फेस का प्रेशर निकालेंगे पहले एक्स का, फिर उसके बाद बाकी फेसेस का निकलेगा. तो एक्स एक्सिस पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग गए, इनमें से आधे राइट जा रहे हैं, आधे लेफ्ट जा रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो राइट जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, इसका आधा कर दिया. एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम कितना था, यह भी निकाला हमने एक मॉलिक्यूल का. और जो मॉलिक्यूल राइट जा रहे हैं वो इतने इतने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं. तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा सभी मॉलिक्यूल्स का अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो यही किया हुआ, चेक करो. सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, फिर मैंने डिस्टेंस निकाल दिया. यहां करेक्शन करो, यहां लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या लिखेंगे, एन. एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. को वॉल्यूम से क्या किया, मल्टीप्लाई.
क्लियर है? तो मेरे पास ये वॉल्यूम नहीं आया, मेरे पास क्या आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये स्टेप क्लियर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। फिर मैंने क्या किया, इसको हाफ से डिवाइड कर दिया, जो क्या कह रहा है कि दीज मॉलिक्यूल्स आर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको हाफ से डिवाइड किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ये मानते हुए कि दीज मॉलिक्यूल्स आर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतना है, इतने मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ये देखो, तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चेंज आ गया, टू से टू कैंसिल, मल्टीप्लाई करके डेल्टा पी एक्स ही आ गया। यहां तक क्लियर है? तो वी फॉर वी के ऊपर ना बार लगता है, इसका मतलब ये एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी तो रैंडम होती है ना, बहुत सारी वेलोसिटीज हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, पर हम एवरेज से काम कर रहे हैं। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया यहां पे, एक काम करते हैं, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एवरेज फोर्स होती है। तो एक काम करते हैं, डेल्टा पी एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज फोर्स होगी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ये क्या आ गई, एवरेज फोर्स आ गई। जो किसने लगाई, जो वॉल ने लगाई, दीवार ने लगाई मॉलिक्यूल पे, तभी तो मॉलिक्यूल ने अपना मोमेंटम डायरेक्शन क्या की, चेंज की। तो ये फोर्स किसने लगाई, दीवार ने लगाई। तो मॉलिक्यूल ने कितनी लगाई होगी, सेम एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर ये नेगेटिव है तो मॉलिक्यूल की फोर्स पॉजिटिव है, तो ये मॉलिक्यूल की फोर्स आ गई अलोंग एक्स एक्सिस। इस फोर्स को अगर आप एरिया से डिवाइड कर दे क्रॉस सेक्शन, तो एरिया से एरिया कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन एक्स एक्सिस। तो प्रेशर की वैल्यू आ गई, तो ये एक्स एक्सिस का प्रेशर आ गया। वाई एक्सिस में करना नहीं है, सिमिलरली लिख देना है, सिमिलरली वाई एक्सिस में वी वाई करके प्रेशर आ गया, सिमिलरली जेड का प्रेशर में वी जेड कर देंगे, जेड का प्रेशर आ गया, और हमने तो एवरेज प्रेशर निकालना है। तो तीनों प्रेशर को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय थ्री करेंगे, तो एवरेज प्रेशर आ गया। तो तीनों की वैल्यूज को पुट किया, एम इंटू एन कॉमन आ गया, वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर को वी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपके पास एवरेज प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब लास्ट स्टेप है, एम इंटू एन को देख लो क्या चीज है। एम, छोटा एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो न्यूमिनेटर क्या बनेगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यानी कि टोटल मास आ गया गैस का, एक मॉलिक्यूल को मास के मास से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक टोटल मास आ गया गैस का अपॉन वॉल्यूम। टोटल मास बाय वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। तो एम इन टू एन की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डेंसिटी। तो आंसर आ गया 1/3 रो वी स्क्वायर। दिस इज द एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। फिर से एक बार रिवाइज, सबसे पहले क्या करना है, वी वेलोसिटी लेनी है, ये डिस्टेंस लेना है vx into t, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर ये v की वैल्यू लिखनी है, फिर आपने क्या करना है, एक मॉलिक्यूल लेना है, जाने का मोमेंटम, आने का मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, फिर आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके इसको हाफ कर देना है, आधे मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतने इतने, तो इनका कितना होगा, इनको मल्टीप्लाई करके डेल्टा पी एक्स आ गया। डेल्टा पी एक्स को टाइम से डिवाइड करके फोर्स आ गई, जो कि नेगेटिव आएगी क्योंकि दीवार की फोर्स है, मॉलिक्यूल की फोर्स निकालने के लिए इसको पॉजिटिव कर देना है। एरिया से डिवाइड करके प्रेशर आ जाएगा, जैसे एक्स का आया वैसी वाई का आया वैसी जेड का आया, एवरेज ले लिया, एम इन टू एन कॉमन निकाल लिया, इसकी जगह वी पुट कर दिया, एम इन टू एन डेंसिटी। तो यहां तक आपने करके आना है, अगर आपको लिखने को आएगा, फाइंड एवरेज प्रेशर बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर।